अरे मन, इस कलयुग में आत्मकल्याण का एकमात्र सार स्वरूप श्री हरि नाम का आश्रय ग्रहण कर, जिससे कि यह अथाह भवसागर सूख जाएगा, बीच में मार्ग बन जाएगा और तू आसानी से चलकर ही उसे पार कर लेगा। तो इसीलिए हमें मन को एजुकेट करना है कि आत्मकल्याण का रास्ता क्या है, वो है श्री हरि नाम। हमारा मन क्या है, हमारा मन बहुत रेस्टलेस है। वैसे मन जो बना है वो सत्वगुण का बना है। आप कहेंगे सत्वगुण, प्रभु जी उसमें सत्वगुण वाला तो कुछ भी नहीं है, उसके अंदर बहुत बदमाश है वो तो, माई गॉड। लेकिन मन बना है सत्वगुण का। सत्वगुण में कार्य क्या होता है, मेडिटेशन। मेडिटेशन किसमें होती है, सत्वगुण में। लेकिन क्योंकि मन में रजोगुण का छौंक भी लगा हुआ है साथ में, इसने मेडिटेशन तो करता है वो, लेकिन गलत जगह करता है वो। और जब हमारा मन गलत जगह मेडिटेशन कर रहा होता है, उसको बोलते हैं मेरा मन बहुत ही चंचल हो गया है, बहुत बेचैन हो गया। लेकिन चंचल मन भी कहीं ना कहीं मेडिटेट कर रहा होता है, गंदी चीज़ों में मेडिटेट कर रहा होता है, दैट्स इट। उसको बोलते हैं रेस्टलेस माइंड। तो इसीलिए जितना ज़्यादा हम हरि नाम लेते हैं तो उस पर ये जो माइंड के ऊपर रजोगुण और तमोगुण का जो छौक लगा हुआ है, जिसकी वजह से उसकी मेडिटेशन तो हो रही है लेकिन उसकी दिशा गलत हो रखी है, उसकी दिशा को ठीक करता है कृष्ण का नाम। इस प्रकार से धीरे धीरे करके बार बार करते 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 मन एक दिन भगवान में लग जाता है। जैसे ना सल्फर और मरकरी जो है कहीं मिक्स नहीं होते, अगर आप ऐसे डालेंगे ना मिक्स नहीं होते, लेकिन अगर दोनों को हाथ में लो और ऐसे करो, करते रहो, तो सल्फर और मरकरी भी मिक्स हो जाते हैं। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण का नाम, हमारा मन मिक्स नहीं होते, अलग अलग ही रहते हैं। हमारा मन वहाँ, नाम वहाँ, दोनों को ले करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। तो एक दिन हमारा मन जो है ठाकुर जी के मन के नाम के साथ जुड़ जाएगा, ये ऐसी उम्मीद है हमको। लेकिन सल्फर और मरकरी क्या है, क्योंकि जड़ पदार्थ है तो जल्दी मिक्स हो जाते हैं। है तो हालांकि ये भी जड़, लेकिन इतना ज़्यादा जड़ है ये गॉड, इसीलिए इसमें समय लगता है, क्योंकि इसने जन्मों पता नहीं क्या क्या नहीं इकट्ठा किया इसने। तो इसलिए मन की रेस्टलेसनेस को शांत करने का जो तरीका है वो है भगवान श्री कृष्ण का नाम। तो मन शुद्ध होता है हरि के नाम से। तो हरि का नाम हम नियमित रूप से अगर लेंगे तो ये छौंक लगा हुआ है इसके अंदर, ये इसमें से निकल जाए। और फिर मन वाकई में मेडिटेट तो करेगा, आज भी कर रहा है मेडिटेट, बजाय कि गलत वस्तु में मेडिटेट करने के, फिर एक कृष्ण मेडिटेट करेगा, कृष्ण के नाम पे, रूप पे, गुण पे, लीला पे। और मनुष्य जीवन का वास्तव में एक तो पर्पस है, वो है मन से लड़ना। ये मनुष्य जीवन क्यों मिला, मन से लड़ने के लिए। तो हमें जीवन भर भी लड़ना पड़ेगा तो लड़ेंगे। ये लड़ना जो है इट इज़ वर्थ, यस इट इज़ वर्थ। अगर ये लड़ाई नहीं लड़ी तो ये जीवन बेकार है। तो इसलिए इस मन से हताश नहीं होना चाहिए। कई बार भक्तों मन नहीं लगता नाम जप करने में, तो हताश नहीं होना चाहिए, प्रभु इतना समय हो तो गया है, क्यों नहीं लग रहा है, ये कब लगेगा। लग जाएगा, लगा है, कईयों का लगा है, हमारा भी लग जाएगा। लेकिन ये सबसे टफ प्रोजेक्ट है, यानी कि भगवान श्री कृष्ण के नाम में मन को लगा देना है। लेकिन ये मुश्किल प्रोजेक्ट है, लेकिन असंभव प्रोजेक्ट नहीं है। एक बार वक्त ने बोला श्री प्रभुपाद स्पिरिचुअल लाइफ इज सो डिफिकल्ट। प्रभुपाद ने कहा यस स्पिरिचुअल लाइफ इज डिफिकल्ट बट मटीरियल लाइफ इज इम्पॉसिबल, सो विच वन यू वॉन्ट, द इम्पॉसिबल और द डिफिकल्ट। वक्त ने बोला डिफिकल्टी अच्छी है, तो हिंदी में बता दो। एक बार भक्त ने बोला प्रभुपाद आध्यात्मिक जीवन बहुत कठिन है। प्रभुपाद ने कहा हाँ आध्यात्मिक जीवन कठिन है, लेकिन भौतिक जीवन जो है वो असंभव है। अब बताओ तुम्हें कौन सा चाहिए, आध्यात्मिक की भौतिक। भक्त ने बोला आध्यात्मिक ही अच्छा है, जो थोड़ा कठिन है, यानी कि मन को भगवान में लगाना, नाम में लगाना कठिन है, लेकिन ये जो जगत है, यहाँ का स्ट्रगल, ये असंभव है। तो इस प्रकार से हमें कृष्ण के नाम में मन को लगाने का प्रयास करना चाहिए। ये संघर्ष है, पर ये एक मीनिंगफुल संघर्ष है, ये एक सार्थक संघर्ष है। ये हमारा मनुष्य जीवन मिला ही इसके लिए है, मन को कृष्ण में लगाने के लिए। अभी हम जो जपा करेंगे ना, हम 2 घंटा संघर्ष करेंगे, लेकिन संघर्ष हम किसके लिए करते हैं, ये संघर्ष करके हम क्या कर रहे हैं। हम कृष्ण को बता रहे हैं कृष्णा आई एम सीरियसली इंटरेस्टेड इन यू, इसलिए मैं हर रोज़ ये 2 घंटा संघर्ष करता हूँ आपके लिए, इस उम्मीद में कि एक दिन मेरा मन आपकी कृपा से आप में लग जाएगा। देखो मन है भी शक्ति किसकी, कृष्ण की है, तो कृष्ण ही इसको शुद्ध कर सकते हैं अपने नाम के द्वारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।